क्या बनाया। हाय एवरीवन, वेलकम टू शर्मिला चैनल। तो आज मैं आप सबके सामने तो भिंडी मसाला जो मैं बनाने जा रही हूँ, भिंडी मसाला भाजी, तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहा है वो मैं बताती हूँ आप सबको। ये है मस्टर्ड, ये है जीरा, ये है करी लीव्स, ये है गार्लिक, ये अनियन, ये चिली, ये भिंडी। इस तरह से आपको बारी बारी करके स्मॉल स्मॉल पीस करके उसको कट करना है, चॉप करना है। और ये है पोटैटो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले आपको ऑयल लेना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ऑयल लेना है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले मुझे पोटैटो फ्राई करना है। जब इसको अच्छे से आपको फ्राई करना है। तो आप लोग देख पा रहे हो मेरा पोटैटो फ्राई हो चुका है। मैं इसे अभी उठा लूँगी। तो देख पा रही हूँ इस तरह से आपको पोटैटो को पूरा इस तरह से। तो चलिए मैं इसके थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया, तो इसके अंदर मैं करी लीव्स, मस्टर्ड और जीरा ऐड कर दी। तो अभी मैं इसके अंदर गार्लिक ऐड करती हूँ। ये गार्लिक इतना गार्लिक की वजह से ये जो रेसिपी है मेरा वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो जितना हो सके आप लोग जितना डाल सकते हैं गार्लिक डालिए। तो मैं थोड़ा सा इसको मूव करूँगी, थोड़ा सा रेड हो जाएगा गार्लिक। तो उसके बाद मैं इसके अंदर अनियन और चिली ऐड करूँगी। तो रेड हो चुका है, आप लोग देख पा रहे हो रेड हो चुका है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अनियन और चिली। तो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे थोड़ा सा रेड होने तक मैं फ्राई करूँगी। गार्लिक, चिली, अनियन रेड हो चुका है, तो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ भिंडी। तो भिंडी को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही मुझे ये मतलब बनाना पकाना है इसको। तो मैंने इसको बहुत बारी बारी करके पीस किया। तो इसको थोड़ा तो मैं अभी इस पे मसाला ऐड कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं दे रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 स्पून, क्योंकि ये स्पाइसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये इसको स्पाइसी बना रही हूँ। और 1 स्पून हल्दी, और मैं इस पर थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर भी ऐड किया। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो आप लोग देख पा रहे हो किसी तरह से कलर आने वाला है। तो इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ जो मैंने पोटैटो फ्राई करके रखा था, तो उसे मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो सॉल्ट क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये भिंडी है, अगर सॉल्ट दूंगी तो उससे सिर्फ वो पानी पानी सा निकल जाते। तो सॉल्ट सबसे लास्ट में एंड पे देना है, एंड पे दे के फिर इसको कोस करना है। तो मैं अभी पोटैटो दिया, थोड़ा सा मुझे इसको पकाना है, देन उसके बाद में बन। तो आप लोग देख पा रहे हो ये ऑलमोस्ट बन चुका है। इस पर मैंने पानी भी ऐड नहीं किया, तो इस पर मैं 1 स्पून सॉल्ट अभी ऐड कर। आप लोग अपने हिसाब से सॉल्ट यूज कीजिए। तो मैंने इस पर 1 स्पून दिया सॉल्ट। तो देख पा रही एकदम हल्दी स्टाइल
राजस्थानी भाजी ये रेडी है। तो मेरा भिंडी की सब्जी रेडी है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मैंने भिंडी की सब्जी बनाया, तो ये सब्जी कैसे बनाया चलिए फास्ट स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। और जो मेरे वीडियो अभी देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आइए दिखाते हैं। तो चलिए ज़्यादा पक 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 ना करके मैं खाना स्टार्ट करती हूँ और आप लोग देखिए। तो ये है भिंडी की सब्जी मेरे फेवरेट है। क्या बनाया, वाओ, जरूर आप लोग भी बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी यम्मी। ये है कोफ्ता, ये फिश कोफ्ता। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो प्लीज मैसेज कीजिए और मैं खाना खा लूँ, फिर इस करके फिर बात करते हैं। ये पापा